तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो यार आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल्स के बारे में कि हम किस तरीके से फ्रॉम द स्क्रैच मॉडल्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। मॉडल्स जिनको नहीं पता, वो बेसिकली काइंड ऑफ अलर्ट्स की तरह वर्क करते हैं। इसमें आप कोई भी जो एलिमेंट्स है वो आप प्लेस कर सकते हो। आप लाइक आपको फॉर्म्स में ऐड करना है, आपको लॉग इन फॉर्म ऐड करना है, साइन अप फॉर्म आपको ऐड करना है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। जिन लोगों ने बूटस्ट्रैप वगैरह स्टडी किया हुआ तो उनके भी उनको भी पता होगा इसके बारे में। तो हम देखेंगे कि हम विदाउट बूटस्ट्रैप कैसे इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यार इससे पहले जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो हमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो पहले हम आउटपुट देख लेते हैं इसकी कि किस तरीके से ये हमें विजिबल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे, इस तरीके से ये आ जाएगा। यहाँ से हम क्लिक करके इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं। ओके, इनिशियली हम यहाँ पे अपना HTML अप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लगाते हैं कि हमें एक डिव क्लास मॉडल चाहिए। क्लोज कर देंगे मॉडल्स को और यहाँ लगा लेते हैं डिव क्लास मॉडल हाइफन डायलॉग। क्लोज कर देते हैं एंड डिव क्लास मॉडल हाइफन कंटेंट बंद कर देते हैं एंड जो भी कंटेंट हमें यहाँ पे लिखना है वो हम लगा देंगे। ठीक है, तो जस्ट हमने यहाँ पेरेंट क्लास क्रिएट करी है मॉडल्स की, उसके अंदर हमने डायलॉग जो है वो क्लास यहाँ पे क्रिएट कर दिए और उसके अंदर हमने मॉडल कंटेंट क्रिया क्लास जो है वो क्रिएट करी है। ठीक है, तो टारगेटिंग करते हैं इसकी पहले जावास्क्रिप्ट से। तो स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं यहाँ पे। ओके, अब हम चाहते हैं कि हमने एक बटन हमें चाहिए पहले, तो यहाँ पे हम बटन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ऑन क्लिक इवेंट दे देते हैं इसमें, ये आईडी यहाँ लगा देते हैं BTN, जो भी नेम आपने देना है इसमें आप दे सकते हो। ओके, तो फंक्शन यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, शो नेम दे देते हैं इसका। तो हम चाहते हैं कि जब हम क्लिक करें, हम ऑन क्लिक यहाँ पे लगा देते हैं सीधा, तो ये फंक्शन शो फंक्शन जो है ये कॉल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अलर्ट लगा के चेक करते हैं वर्क कर रहा है। टेस्ट राइट क्लिक ओपन इन ब्राउजर, ये अलर्ट हमारा यहाँ पे वर्क कर रहा है। ओके, अब बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं कि जो मॉडल हम यहाँ पे देख रहे हैं इसको हाइड कर देते हैं। ठीक है, हाइड करने के लिए आपने स्टाइल पे जाना और जो हमारी मेन क्लास है विच इज डॉट मॉडल, इसको हम कर देंगे डिस्प्ले, यानी हमें इसको शो नहीं करना। लेकिन जब हम क्लिक करेंगे तो ये शो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बाय क्लास नेम यहाँ से कर लेते हैं। अब क्लास नेम जो है वो रिटर्न करेगा एरेस को, हमारा क्लास नेम यहाँ पे है मॉडल, ये रिटर्न करेगा एरेस को, तो हम यहाँ पे जीरो लगा देंगे सो दैट हम फर्स्ट एलिमेंट को ही फेच करें यहाँ से। ठीक है, आप एरे सिलेक्टर वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, तो उसको हम सेव कर लेते हैं। मॉडल वॉर लगा लो या लेट लगा लो। ओके, तो देन मॉडल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक कर देंगे यहाँ से। ब्लॉक का मतलब होगा कि वो विजिबल हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं, इनिशियली ये हिडन है यहाँ से, क्लिक कर रहेंगे तो ओके वर्क नहीं कर रहा। हमें काम करते हैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे कंसोल पे जाते हैं, देखते हैं कोई बग हमारी है यहाँ पे। तो बोल रहे हैं यहाँ से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट हमने लगा दिया हो, हमारी मिस्टेक है यहाँ पे गेट एलिमेंट्स आना था। ठीक है ना, चेक करते हैं दोबारा, तो देखो ये विजिबल हो गया यहाँ से। ओके, थोड़ी स्टाइलिंग देखते हैं इसकी। तो स्टाइलिंग में हमें ओके तो स्टाइलिंग से पहले हम थोड़ा सा HTML इसमें और अप्लाई कर देते हैं। हम यहाँ लगा देते हैं डिव क्लास हेडर मॉडल हाइफन हेडर कर लेते हैं, मॉडल हाइफन हेडर इसको बंद कर लेते हैं। यहाँ हम कोई भी हेडिंग दे देते हैं, H2 लगा लो या H3 लगा लो आप, शो हेडिंग। और यहाँ हम लगा लेते हैं स्पैन या एंकर लगा लेते हैं, AHREF हैश लगा लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम दे देते हैं आईडी क्लोज,
यानी जब क्लिक करेंगे तो ये क्लोज होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई का सिंबल हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, एंड टाइम्स लगा देंगे तो ये मल्टीप्लाई का सिंबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, अब हम चाहते हैं कि जब हम क्लिक करें इसको तो फिर ये क्लोज कर दे उसको, ठीक है। तो अब वो करने के लिए हम यहाँ पे लगा लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी हमारी है यहाँ पे क्लोज, और लगा लेते हैं क्लोज इज इक्वल टू। ओके, अब हम चाहते हैं कि जब ये क्लिक होगा सो क्लोज डॉट क्लिक ऑन क्लिक में ये एनोनिमस फंक्शन जो है ये कॉल हो जाएगा, ये डिफरेंट वे में हम कर रहे हैं इवेंट यहाँ से। तो जब क्लोज पे क्लिक होगा तो ये फंक्शन यहाँ से कॉल हो जाएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको अलर्ट लगा के, टेस्ट अगेन देख लेते हैं वो कर रहे हैं, तो अभी वो भी डन ही होगा, वहाँ से क्लिक करेंगे तो ये अलर्ट आ रहा है यहाँ से आपको, ठीक है। हमें क्या करना है इसको, हमें इसको हाइड करना है, यानी जो ये आएगा यहाँ से उसे हमें बंद करना है, ठीक। हमें काम करते हैं ये जो हमने मॉडल यहाँ लगाया है इसको भी हम बाहर कर लेते हैं, यहाँ कर लगा लेते हैं, सो दैट ये दोनों फंक्शंस एक्सेस कर पाए उसको, ठीक है। अदरवाइज ये लोकल स्कोप में रह जाएगा। तो हम यहाँ पे कर देंगे कि जो हमारा मॉडल है डॉट स्टाइल, सेम वही चीज़ हो जाएगी, स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू, हम कर देंगे यहाँ से कि हाइड कर दो उसको, नन कर दो उसको। जब क्लोज पे हम क्लिक करेंगे तो वो नन कर देगा उसको, हटा देगा उसको, ठीक है। तो हमारी आईडी है यहाँ पे हैश, कौन सी आईडी है हमारी, क्लोज, हाँ जी क्लोज आईडी है हमारी, क्लोज पे यहाँ पे हम लगा देंगे कर्सर इज अ कॉलन पॉइंटर, ठीक है। वैसे तो एंकर टैग ही लगा हुआ तो जरूरत नहीं है इसकी, स्टिल हम देख लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन डन कर देते हैं, फ्लोट यहाँ पे राइट कर देते हैं इसका, थोड़ी स्टाइलिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ हम लगा देते हैं कि इसकी जो विथ होगी वो 100% हो जाएगी, हाइट हम लेके चल रहे हैं 100% हो जाएगी, पोजीशन हम कर लेते हैं इसकी फिक्स्ड, ओके। एंड यहाँ पे हम लगाते हैं बैकग्राउंड हैश सी 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 लगा लेते हैं, ठीक है। टॉप से 0, लेफ्ट से 0, चेक करते हैं, देखो तो इस तरीके से आ रहा है हमारा, ठीक है। जेड इंडेक्स हम कर लेते हैं इसका, ये अभी जेड इंडेक्स छोड़ दो यहाँ पे, ओके। सो हम जेड इंडेक्स यहाँ लगा देते हैं 1, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इंडिकेट करता है डेप्थ को यहाँ पे, और यहाँ हम लगा देते हैं हमारा बैकग्राउंड जो है उस पर हम ट्रांसपेरेंसी दे देते हैं, ठीक है ना, RGBA 255 लगा लेते हैं इसमें, comma 255, comma 255, comma 0.4, थोड़ा सेमी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ये, ओके। ओके, अब हम टारगेट करते हैं मॉडल को, जो डायलॉग है हमारा डॉट मॉडल हाइफन डायलॉग, तो उसके विथ लगा देते हैं अबाउट मे बी 600 पिक्सल, ठीक है। पैडिंग दे देते हैं इसमें 20 पिक्सल की, पैडिंग यहाँ छोड़ देते हैं, ये हमारा यहाँ से आ जाएगा। इसके अंदर हम लगाते हैं डॉट मॉडल हाइफन हेडर, ठीक है। बैकग्राउंड लगा देते हैं इसका ऑरेंज, पैडिंग यहाँ लगा देते हैं 10 पिक्सल, ओके। डायलॉग में हम बॉक्स हाइफन शेडो लगा देते हैं, ठीक है, मे बी 2 पिक्सल 2 पिक्सल 2 पिक्सल, RGBA 255, comma 255, comma 255, comma 0.4, ठीक है। तो चेक करते हैं इसको क्या आउटपुट आ रही है, तो इस तरीके से आ रहा है हमारा, ओके। अब हमें सेंटर में करना है इसको, तो इसको सेंटर में करने के लिए हम लगा देते हैं पोजीशन
हम पोजीशन छोड़ते हैं, मार्जिन ऑर्डर लगा देते हैं। मार्जिन तो हमने यहाँ पे कर दिया कि टॉप एंड बॉटम 15% आ जाएगा वर्टिकली, और लेफ्ट एंड राइट से ऑटो हो जाएगा यानी सेंटर में आ जाएगा। वो हॉरिजॉन्टली सेंटर में हो जाएगा और वर्टिकली 15% से नीचे आ जाएगा। ओके, इसको हम कर देते हैं अबाउट 70% विथ इसकी, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड हम जो है वो हम लगा देते हैं हैश F2 F2। अगेन चेक करते हैं आउटपुट, देखो इस तरीके से आ रही है। पैडिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई है, इसमें पैडिंग कम करते हैं। तो हेडर में हमने पैडिंग दी है यहाँ पे अबाउट 3 पिक्सल की पैडिंग हम इसमें दे देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हेडिंग लगी हुई है बीच में, तो उसको और ज़्यादा स्पेसिंग अप्लाई कर देगा उस पर, है। ओके, देन मॉडल हाइफन कंटेंट हम पैडिंग लगा लेते हैं इसमें अबाउट 10 पिक्सल की, चेक करते हैं अगेन। सो ये स्पेसिंग आ रही है यहाँ से। ओके, अब हमें इसको मूव करना है टॉप पे। एक चीज़ हमें और यहाँ पे देखनी है कि जो हमारा हेडर है, मॉडल हाइफन हेडर, इसमें स्पेसिंग आनी चाहिए। पैडिंग हमने हेडिंग की वजह से, हमें काम करते हैं ये जो हेडिंग लगी हुई है, आप एक काम करो स्टार्टिंग में लगा दो बॉक्स हाइफन साइज इन बॉर्डर बॉक्स, मार्जिन अननेसेसरी मार्जिन जो है वो आ जाते हैं ऐसे, सो दैट वो निकल जाए वहाँ से हर एक एलिमेंट में से। तो स्टार का मतलब यहाँ पे होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, यानी हर एक एलिमेंट पे मार्जिन जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं दोबारा से। ओके, ये बेटर है यहाँ से। तो मैं जितना यहाँ पे पैडिंग वगैरह देनी है हम दे देते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा लगा हुआ था हेडर, इसको हम कर लेते हैं अबाउट 8 पिक्सल स्पेसिंग के लिए, ठीक है। ओके, अब ये जो स्टार यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो क्लोज का सिंबल है हमारा, उसको हम फ्लोट करते हैं राइट साइड पे, ठीक है। हमें काम करते हैं उसको फ्लोट नहीं करते, पोजीशन यहाँ लगा लेते हैं इसकी एब्सोल्यूट, टॉप से कर लेते हैं इसको जीरो, राइट से भी कर देते हैं इसको जीरो, और पैडिंग दे देते हैं इसकी अबाउट 10 पिक्सल। पैडिंग हम इसमें लेफ्ट एंड राइट देते हैं, टॉप एंड बॉटम कर लेते हैं जीरो, लेफ्ट एंड राइट कर लेते हैं 10 पिक्सल। चेक करते हैं अगेन, तो ये देखो टॉप पे यहाँ पे आ गया हुआ। ठीक है, तो अभी अगर हम ध्यान से देखें तो क्लोज यहाँ पे है हमारा, और ये हमारा मॉडल एडर है, और ये डायलॉग है। अगर हम डायलॉग पे आते हैं, यहाँ पे हम डायलॉग पे पोजीशन अप्लाई कर देते हैं रिलेटिव, इससे क्या होगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो, देखो जो क्रॉस था पहले पोजीशन जो थी वो पेरेंट पे लगी हुई थी यानी मॉडल पे लगी हुई थी, तो उसकी वजह से वो टॉप पे चला गया जो क्रॉस था हमारा, ठीक है। अभी अगर हम देखें यहाँ से तो हमने जो पोजीशन है वो डायलॉग पे लगा दी है रिलेटिव पोजीशन, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये इस पे ही आ गया यहाँ से, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट होता है कि जो एब्सोल्यूट पोजीशन होती है वो पेरेंट पे वर्क करती है, पेरेंट इस केस में वो है जिस पे हमने पोजीशन रिलेटिव लगा दी है यानी मॉडल डायलॉग, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली आ गया हुआ, तो हम इसको सिंपल 10 पिक्सल ही कर लें अगर, तो ये ऑलमोस्ट सेंटर में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अपने जो भी साइज साइज वगैरह इसका देना वो आप दे सकते हैं, फॉन्ट वेट इसका बोल्ड कर लेते हैं, कलर हम इसका वाइट कर लेते हैं। गेन चेक करते हैं, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। ओके, तो अभी ये आपका हो गया इतना। ओके, अब हमें थोड़ी एनिमेशन इसमें अप्लाई करनी है, हम चाहते हैं कि ये स्लाइड करके आए नीचे, ठीक है, या मे बी हम चाहते हैं कि ये ब्लिंक करके आए, तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को। हमें काम करते हैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर देते हैं, फेड क्लास या मे बी स्लाइड क्लास हम क्रिएट कर लेते हैं। और अभी पहले हम की फ्रेम्स लगाते हैं यहाँ पे, ऐड की फ्रेम्स, कोई भी आप नेम दे दो उसका, हमें भी नेम यही दे देते हैं, सेम मैटर नहीं करता, बस आपको यूज़ करना है उसको। तो यहाँ हम लगा देते हैं फ्रॉम से टू में क्या होगा, ये फ्रॉम हो गया आपका, ये टू हो गया। हम चाहते हैं कि ये पोजीशन हम बोल देंगे इनिशियली जो है वो टॉप से -300 है, 300 पिक्सल है टॉप से, और यहाँ पे टॉप से हो जाएगी ये जीरो पे, यानी जीरो पे अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। और ओपेसिटी हम यहाँ पे सेट कर देते हैं कि ओपेसिटी जो इसकी होगी वो 0.2 है,
और आते आते ये ओपेसिटी प्रॉपरली विजिबल हो जाएगी, यानी वन हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे एनिमेशन। एनिमेशन का नेम है हमारा स्लाइड, और टाइम ड्यूरेशन हम इसकी दे देते हैं अबाउट मे बी 2 सेकेंड्स। ठीक है, और आप ईज यहाँ पे लगा सकते हो साथ में इसके। तो स्लाइड आपका एनिमेशन का नेम हो गया, 2 सेकेंड्स यहाँ पे ड्यूरेशन हो गई है, और ये एनिमेशन इफेक्ट हो गया है। सो एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन हम इसको बोल सकते हैं। तो चेक करते हैं। ओके, अब आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई आपको करना है इसको जहाँ पे आपने डायलॉग लगाया हुआ। ठीक, तो यहाँ पे हम एज इट इज क्लास लगा देते हैं, फेड क्लास साथ में। तो ये जो सॉरी स्लाइड क्लास आपकी जो है ये यहाँ पे लग जाएगी, जो हमने नेम यहाँ पे दिया हुआ स्लाइड का। ठीक है, चेक करते हैं इसको दोबारा से, क्लिक करेंगे। देखो ये स्लाइड होके नीचे आएगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट करने के लिए इसको हम टाइम कम कर देते हैं यहाँ से। टाइम कम कर देंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक, दोबारा चेक करते हैं तो थोड़ा ये फास्ट हो जाएगा आपका। ईज अगर हम निकाल दें यहाँ से, दोबारा चेक करें। ओके, थोड़ा इस तरीके से आ रहा है ये। ठीक है, तो और उसको फास्ट कर देते हैं 0.5 सेकेंड्स पे, देखते हैं। ओके, ये बेटर है। ओके, तो थोड़ी बटन की स्टाइलिंग हम कर लेते हैं साथ में। तो बटन को हम यहाँ लगा देते हैं। हमारी बटन की क्लास कौन सी थी पहले? आई थिंक BTN क्लास थी, हैश BTN। तो हैश BTN लग गया आपका। यहाँ हम लगा देते हैं बैकग्राउंड इसका, ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, नन कर दूँ। पैडिंग हम लगा देते हैं इसमें अबाउट 5 पिक्सल एंड 12 पिक्सल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ज़्यादा हो जाएगी। और हम बॉर्डर लगा देते हैं इसमें, ऑरेंज लगा देते हैं। सो 2 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज। ठीक है, और कलर भी हम सेम दे देते हैं इसका, ऑरेंज। और हम चाहते हैं कि जब ये कर्सर इस पे आएगा, यानी जब हैश BTN पे कर्सर आएगा, तो उसकी स्टाइलिंग थोड़ी चेंज होनी चाहिए। तो स्टाइलिंग हम कर देंगे कि ये परमानेंटली ही ऑरेंज हो जाएगा, यानी बैकग्राउंड इसका हो जाएगा ऑरेंज, और कलर इसका हो जाएगा वाइट। अभी ब्लैक कर देते, वाइट कर देते हैं। चलो, बाय डिफॉल्ट कलर जो है वो इसका ऑरेंज है, यहाँ पे जब आएगा तो ये वाइट हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। तो देखो ये इस तरीके से आ रहा है हमारा। थोड़ी सी इसमें इसकी आउटलाइन हम जीरो कर लेते हैं एक बार। बॉर्डर से पहले हम लगा देते हैं आउटलाइन, OUT, आउटलाइन 0 पिक्सल्स। ओके, तो थोड़ा मार्जिन इसमें दे देते हैं, सेंटर थोड़ा नीचे आ जाएगा ये मार्जिन, हम लगा देते हैं मे बी 5 पिक्सल। ओके, तो ये चीज़ हो रही है यहाँ से। कर्सर इसका हम चेंज कर लेते हैं पॉइंटर पर। पैडिंग थोड़ी अगर ज़्यादा कर दें तो बेटर है। ओके, तो ये चीज़ आ रही है, क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो वीडियो को यार, सब्सक्राइब करो चैनल को, सपोर्ट करो हमें। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।